तो भाई मतलब आज तुमने देख रहे होगे, आवाज़ देख रहे हो, तुम शक्ल देख रहे हो, आज थोड़ी हालत ख़राब है। और एक पार्सल आया था पहले, इसे खोल लेते क्या है इसके अंदर। दिस इज़ माई गो प्रो अडप्टर 3.55 mm। ये मंगाया जब मैं गो प्रो को बाइक के हेलमेट पे लगाऊंगा तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माइक लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद तुम सोच रहे हो ना, गुज्जी भाई कैसे जी लेते हैं, गुज्जी भाई प्रोटीन खा रहे होंगे। गुज्जी भाई कल सुबह से गुज्जी भाई का ये चल रहा है गुज्जी भाई की हालत। तो ये मैं बता दूँ, ये है मसल रिलैक्सेंट। अब ये मैं किस लिए खाता हूँ मैं बता देता। अब जो है ना, मेरठ में ठंड शुरू हो गई, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ ठंड शुरू हो गई। तो ठंड में ऐसा होता है ना, जो मतलब जैसे आपका कभी ऑपरेशन हुआ हो, किसी का भी हुआ हो, कहीं का भी, जैसे कोई रॉड डल जाती है, किसी के स्क्रू डल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे भाई के कंधे में डले हुए स्क्रू। पर गर्मियों में इनमें काम चल जाता है, बट जब ठंड शुरू होती है ना, ये जो पेन करते हैं, मतलब ठंड का जो दर्द होता है, मतलब अलग ही लेवल का होता है। तो 3-4 दिन हो गए मुझे दवाई पे चलते हुए, क्योंकि अब ठंड आ रही है, तो मैं पहले से प्रिकॉशन ले लेता। ये वो नहीं है कोई पेन किलर वेन किलर नहीं, ये थोड़ा मसल्स को रिलैक्स देने के लिए होता है, क्योंकि हाथ ना अकड़ने लगता है, तुम समझ रहे हो, हाथ अकड़ने। अब तुम सोच रहे हो गुज्जी भाई आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार शोल्डर डिसलोकेशन होगा। तो मेरा शायद 7 बार हो चुका है टोटल, 6 से 7 बार मेरा डिसलोकेशन हो चुका है। 2 बार आर्मी में हुआ था, 4-5 बार बाहर हो चुका है, उसमें से 2-3 बार तो वॉलीबॉल में हो गए, 3 बार शायद वॉलीबॉल में हो गए। बट तुम्हारा भाई खेलता है फिर भी, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सेफ्टी से खेलता हूँ, बट हो जाता है। अब जब हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो तुम्हारा भाई यूँ पकड़ के खुद ही डाल देता है कैसे ना कैसे। तो अब मुझे आदत हो गई है, बट अब जो ठंड आ रही है ना, इससे मुझे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अभी मेरा काफ़ी टाइम से शोल्डर डिसलोकेट हुआ नहीं है। काफ़ी अच्छी मसल्स आ गई, काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो गया, काफ़ी टाइम से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ रेगुलर। शोल्डर की मैं ज़्यादा हैवी करता हूँ जानबूझ के, ताकि इसमें पावर आए, बट अब जो ठंड आ गई ये हमें डरा रही है भाई। अगर तुम्हें तो शोल्डर डिसलोकेशन की स्टोरी बताऊंगा तो तुम तो कहाँ पर जाओगे भाई। 2 बार स्विमिंग पूल, 5 बार 4 बार शायद वॉलीबॉल, और 1 बार क्रिकेट खेलते हुए, ये हुआ है हमारे साथ। 7 बार शोल्डर डिसलोकेशन हो गए। जिन जिनको शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है ना भाई, इनको मतलब इनको पता होगा जो दर्द होता है ना, एक तो शोल्डर डिसलोकेशन का दर्द, ऊपर से ज़िंदगी भर का है। तुम ऑपरेशन करा रहे हो, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं, ये स्क्रू के स्क्रू पड़े रह गए, बट शोल्डर डिसलोकेशन नहीं रुका। तो और मैं बता दूं, मेरी हालत आज ज़्यादा ही टाइट थी, मैं सोचा नहीं था, क्योंकि मैं जिम करके आया, उसके बाद थोड़ा शोल्डर दर्द ज़्यादा होने लगा, क्योंकि कल मैं पूरे दिन खेला हूँ, उसके बाद मैंने दवाई लेना मैं कल भूल गया था, तो मैं पूरा रेस्ट। अब जब तुम्हें नहीं पसंद आते ना, मतलब एक बैकग्राउंड वाले ब्लॉग्स, तो मत देखा करो, तुम अगले दिन आ जाएगा, हम तुमसे अगले दिन गुफ्तगू, ठीक है। बाकी तुम्हें कभी किसी दिन मौका मिलेगा, शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम जो है ना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता राइट हैंड से, और अगर मेरा लेफ्ट निकलता मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं राइट ही हूँ, बट मेरा राइट शोल्डर डिसलोकेट होता है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तंग होता हूँ मैं बहुत जगह, बहुत ज़्यादा तंग होता हूँ कभी कभार, बट अब क्या कर सकते हैं, अब आदत बना ली है हमने इसे अपनी, कमज़ोरी नहीं आदत, क्योंकि अगर मैं ऐसे लेके बैठ जाऊँ ना, मेरा कंधा ख़राब है और मैं ऐसे ही रहूँ, तो भाई मेरी हो जाएगी हालत और टाइट। और जब शोल्डर डिसलोकेट होता है उसके बाद तो मौत का दिल को, आंखें बंद होने लगती हैं भाई थोड़ी देर बाद, बहुत बुरी हालत है। अब जब तुम्हें बता दूँ, जिसका शोल्डर डिसलोकेट होता है वो ऐसे नहीं पकड़ सकता जैसे मैं पकड़ रहा हूँ, ऐसे ये वाला हाथ यहाँ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसका डिसलोकेट होगा उसका यहीं तक जाएगा, या फिर यहाँ पर ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर कभी तुम्हारा कंधा निकले चेक कर लेना ऐसे करके। और ये डिसलोकेशन की प्रॉब्लम, ये देखो मेरे को अभी तो कभी थी नहीं पहले से, बट आर्मी में जाके हुई थी। तो जो मेरा ह्यूमरस हेड है, सबका ऐसे होता है, अपन का भी ऐसी है, कुछ अलग नहीं है, कहीं तुम सोचो गुज्जी भाई का ऐसे ना, सबका ह्यूमरल हेड ऐसे होता है, अपन का भी ऐसे है, ठीक है। पर जो ये शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है, मेरा ह्यूमरस हेड ऊपर से टूटा हुआ है, जैसे क्या बताएं तुम्हें एग्जांपल का है, क्या है ये सॉस मिला है, मैं मुझे जो मिल जाता है मैं उसका एग्जांपल दे दूँ, ये मान लो सॉस है, ठीक है, सॉस का ऊपर का काट दो, ये जो कटा हुआ देख रहे हो ना, ऐसे कटा हुआ, ऐसी बिल्कुल गुज्जी भाई की हड्डी कटी हुई है ऊपर से ऐसे, तो वो जब भी कुछ प्रेशर पड़ता है या कुछ होता है छोड़ देता है जॉइंट, तुम लोगों का पक्का।
तुम पिए हो बचपन में बहुत दूध, हमने थोड़ा कम पिया है, बट मैं बता रहा हूँ छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है जिसको होती है, पर इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने अब तक देख लिया, मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया, डॉक्टरों से सलाह ले ली, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन के बाद भी डिसलोकेट हो सकता है, नो जिम्मेदारी। तो ये मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। आज मैंने ये स्टोरी तुम्हें इसलिए सुना, मैं और रखा हूँ आज फ्लैट, मेरे को ना खाने भूख लग रही ना, मेरे से कुछ हो रहा है काम, मैं लेटा हुआ हूँ जब से। अब शायद अपन को फीवर आ सकता है, अभी लक्षण लग रहा है, पर फीवर जब आता है वो मुझे पता है क्यों आता है, मेरे शोल्डर की वजह से आता है, जब पेन वेन होता है, क्योंकि हड्डी में तुम्हें कभी दर्द हो या निकल जाए जॉइंट या कुछ हो जाए तो बुखार आना बनता है ब्रो। तुम्हारे भाई को सारी नॉलेज है भाई, आधा डॉक्टर, हाफ MBBS, तुम्हारे भाई ने हाफ MBBS कर रखे, मजाक कर रहा हूँ। बाकी जिन जिनको शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है भाई, अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, मैं अकेला थक जाता हूँ, लोग मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। और तुम कह रहे हो कोरोना वायरस खतरनाक है, कभी शोल्डर डिसलोकेशन वालों से पूछना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। तो मैं आज थोड़ा ढीला हूँ, और ये मैं आज मैंने वीडियो मैं डाल नहीं जाता वैसे, पहले मैंने सोचा छोड़ नहीं, बट वी आर जस्ट अबाउट टू रीच 100 वीडियोज़, 96 97 है ये वाली वीडियो, तो तुम्हारा भाई 100 करेगा, उसके बाद देखते हैं रेस्ट। वैसे मन नहीं है मेरा रेस्ट लेने का, क्योंकि कल मैं गोप्रो से करूँगा व्लॉगिंग। ओह तुम्हारे लिए सस्पेंस, कल गोप्रो से व्लॉगिंग होगी, मेमोरी कार्ड डाल दिया इसमें, कल इससे व्लॉग करके देखते हैं, विदाउट माइक करेंगे पहले, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बाद माइक के साथ। और आज का प्रोटीन 4 टैबलेट, और ऐसा ही टैबलेट मैं डॉक्टरों से भी नहीं लाता हूँ, मुझे पता है कौन सी टैबलेट खानी है। तो बाकी वीडियो अच्छा लगे तो भाई की मतलब हालत अच्छी लगी हो, वीडियो छोड़ो, वीडियो तुम पसंद कर लेते हो मुझे पता है, तुम हरामी लो, बट अगर भाई की हालत पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं दया आ रही हो, सिंपैथी ले रहा हूँ मैं, ऐसे सब्सक्राइबर गेन करने में सिंपैथी ले, तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दया आ रही हो, इतनी सी भी, मैं थोड़े इमोशनल हो जाऊँ, क्या कह रहे थूक लगा लो यहाँ पे, नहीं, मतलब अगर तुम्हें लगे कुछ जी भाई मेहनत कर रहे। देखो ऐसा होता है कि हर दिन तुम व्लॉग डाल रहे हो ना, डेली व्लॉग, तो हर दिन तुम प्लान नहीं कर सकते। मैं प्री प्लान्ड कभी नहीं डालता हूँ व्लॉग, मेरे को जो मैं करता हूँ, आज मैंने कुछ करा ही नहीं, आज मैं पूरे दिन बेड पे लेटा हूँ, तो मैं क्या तुम्हें व्लॉग दिखाऊँ कि मतलब मैं बेड पे लेटा हूँ, पड़ा हुआ हूँ, आंखें बंद हैं, ये देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी बात कर लूँ। और ये शोल्डर डिसलोकेशन तो मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन गया, अब डिसलोकेट कर 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 आके मैं थक चुका हूँ, और डाल भी देता हूँ खुद, ये है मतलब डॉक्टर और तो स्पेशलिस्ट गुच्ची भाई। बाकी ये तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, ये गंदा सा बैकग्राउंड देख लो, उसके बाद हम तुम्हें चकाचक चीज़ें दिखाएंगे, अच्छा बैकग्राउंड दिखाएंगे थोड़ा। बाकी पिज़्ज़ा।